हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने रविवार को ही बीजेपी को ज्वाइन किया और शाम को ही सपना चौधरी को सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम बरखा बहार में ठुमके लगाने का मौका मिल गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के कार्यक्रम में खूब जलवा बिखेरा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया। आपको बता दें, कोसी कला इलाके के मंडी परिसर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बरखा बहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। सपना का डांस देखने के लिए भीड़ बेकाबू होने लगी। इसके चलते 15 मिनट के लिए बीच में कार्यक्रम को रोकना भी पड़ा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और पुलिस अधिकारियों ने मंच से ही दर्शकों से व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी मौके पर मौजूद रखा गया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपको देख के मुझे लग रहा है। और दो प्रोग्राम पोस्टपोन हुए और नो डाउट सबकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आज यहाँ की पूरी अरेंजमेंट को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से निभाई नहीं। देखिए, विरोध या किसी का पक्ष लेने की बात है, अगर आज भी लगता, आज भी पुलिस सिक्योरिटी नहीं होती, परमिशन नहीं देती, तो आप आज भी शो नहीं लगाते। आपको बता दें कि करीब 2 साल से सपना चौधरी मथुरा में कार्यक्रम करने के लिए बार बार अनुमति लेने के प्रयास में लगी थी, लेकिन कई बार सपना चौधरी की अनुमति को प्रशासन ने निरस्त कर दिया, जिस कारण सपना चौधरी का कार्यक्रम मथुरा में नहीं हो सका। पूर्व में बीजेपी के लोगों ने ही सपना चौधरी के कार्यक्रम का मथुरा में होने का विरोध जताया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।